लग रहा है, मजा आ गया, बढ़िया शूट हो रहा है। उम्मीद भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, मतलब बस 7-8 साल मेहनत करता रहा। भाई फेमस है खत्री म्यूजिक के नाम से, कि भाई खत्री के बीट रहे ऐसे बीच में आता गानों में, पर किसी को नाम नहीं पता। मैं आज वो पर्दाफाश करता हूँ, इसके मैं चार्जेस लूंगा। कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज तो आएगी नहीं, इतना शोर हो रहा है यहाँ पे। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आए हैं टाइगर फिटनेस क्लब में फोटो शूट करने, फरीदाबाद। ओ भाई आज के शूट में ना 2-4 सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको मिलवाएंगे। हरियाणवी इंडस्ट्री से हैं कुछ, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं कुछ, ब्लॉगर्स हैं, सबसे मिलवाएंगे। रुको ज़रा, अभी शूट कर रहे हैं, परेशान मत करो, कैमरा टाइम। तो गाइस सबसे पहला काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि कैसी है ये वीडियो। आज भैया का शूट चल रहा है, खत्री भैया का लुक अच्छा आ रहा है, थोड़ा खत्री भैया नोन एज खत्री की बीट रैप, और हमारा सॉन्ग भी आने वाला है। लेकिन सॉन्ग से पहले हमने सोचा हर बार तो हम वैसी ही वीडियो बॉडी के साथ वीडियो बना लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा एप्स वैप बिस्किट लगा के बनाए तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी वीडियो के लिए। तो पहले हमने प्रिपरेशन करी, एक साल तक कोई गाना ही नहीं बनाया हमने, अब बॉडी बना ली, अब गाना आएगा। गाने का नाम वो कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 घंटे पंपिंग करते रहते हैं, जब फोटोशूट की बारी आती है ना तो उनसे पोजिंग नहीं होती। भाई एक दिन क्या हुआ, हम एक का फोटोशूट कर रहे, उसने इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, वो हमारे बैकड्रॉप पे ऊपर गिर गया, चक्कर आ गया उसको, ब्लैंक बच गया, सीधा ऐसे गया, सर बच गया, पीछे टेबल थी, फोटोशूट की जगह हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो ऐसे मत किया करो यार, शूट लग रहा है, मज़ा आ गया, बढ़िया शूट हो रहा है और करते रहेंगे अब तो रेगुलर। अभी फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करी है तो सोचा शूट भी अच्छा कराते हैं। निम्बानी भाई BTS पे हमारे BTS पूरा शूट कर रहे हैं, BTS भाई हमारा। और शूट में सलूट है भाई सारे बॉडी बिल्डर्स को, जितने भी एथलीट है भाई, क्योंकि मैंने तो पहली बार ट्रांसफॉर्म करी है, और दिल से रिस्पेक्ट है भाई सभी के लिए, बहुत मेहनत लगती है। शादी का, तो शादी का सूट आ चुका है हमारा, सर को दूल्हा बनाएंगे आज बॉडी बिल्डर से। सर ये लैम्बोर्गिनी में पहना था हमने, और अब दूसरी बार आप पहनेंगे फोटोशूट में। इसी शर्ट में चला जाएगा तो? नहीं ये आएगा ना लिखा हुआ। मैं मतलब परेशान हूँ, भाई फेमस है खत्री म्यूजिक के नाम से, कि भाई खत्री के बीट रहे ऐसे बीच में आता गानों में, पर किसी को नाम नहीं पता। मैं आज वो पर्दाफाश करता हूँ, इसके मैं चार्जेस लूँगा और देने पड़ेंगे वो। चलो वो पीछे कर लेंगे, चलो। विराज खत्री भाई का नाम है, विराज खत्री, मैच खत्री की बीट रहा है। ये चीज तो फेमस है, इसको तो सब जानते हैं। वेलकम बैक टू माय, चल रही है गाइस शूटिंग अभी चल रही है, खत्री की बीट रहा है। कल रात ना 4 बजे घर पहुँचे हैं शूट करके, और सुबह फिर आगे फरीदाबाद शूट करने, क्योंकि भाई ने बुलाया कि भाई आ जाओ। चलो तो फोटो शूट अभी बीच में चल रहा है, हमारा काम खत्म हो गया पर चल रहा है फोटो शूट, और शूट हुआ है हमारे भाई आदिनागर भाई जी के वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। एक बात बताता हूँ भाई, अच्छा देखो वरुण भाई को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मैं उन्हें इनके फोटोज मुझे बहुत टाइम से पसंद है, मतलब देखता था ना ये सोचता था यार फोटो तो भाई खींचते तगड़ा, पर यार मैसेज करूं ना करूं पैसे इतने है नहीं कि फोटो शूट कर पा सके उस टाइम पे, मतलब उस पे अब बहुत है भाई, अब पैसा आ रहा है, अब तो थोड़ा बहुत ठीक है, पर उस टाइम पे सोचता था यार मैसेज करता हूँ भाई को फोटो शूट कर दो। लेकिन वाक्य में भाई की यही बात तो अलग है, पहले से फोटो की क्वालिटी मुझे पसंद है भाई की, मतलब सबसे बेस्ट ही लगती है। जितने भी फिटनेस मॉडल हैं, जितने भी एप्स वाले बंदे हैं ना, उनके फोटो शूट करते हैं भाई, और बहुत अच्छे करते हैं, मतलब देख के दिल खुश हो जाए मेरे साथ, बढ़िया एकदम अच्छा। और मैंने भाई से क्या सीखा है, मतलब पहले मैं भाई को ना जानता नहीं था, तो मेरे जितने भी मेरे साथ रहते थे ना वो सब जानते थे, मैंने भाई कौन है आदिनागर, कह रहे यार भाई ये ना नीचे से उठे हुए बंदे हैं, और मेरे को भाई आप तक अभी तक ना पूरी जर्नी आपकी नहीं पता, तो आप मतलब आपकी जर्नी एज अ यूट्यूबर कहाँ से शुरू हुई थी, कि वो कौन सी जगह थी जब आपको लगा नहीं भाई यहाँ से उठ के मेरे को वहां तक पहुंचना है। मैं मतलब मैंने पहले भी जो इंटरव्यू दिया उसमें बताया पहले भी लोगों को, लेकिन अब भी बता रहा हूँ, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मतलब तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ओके हर चीज में,
तब वहां से मैं निकला, वहां से जाके वर्कआउट करा, यहाँ वर्कआउट करके भी ये सोचता था यार कुछ होगा या नहीं होगा, उम्मीद भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊँ। मतलब बस 7-8 साल मेहनत करता रहा, 7-8 साल कंसिस्टेंट रहे हैं लगातार। लोग हो जाते हैं ना 5-6 महीने में, भाई 5-6 महीने कोई चीज करी ना हो रही छोड़ो, ये चीज तो सारी दिमाग से निकाल दी कि छोड़ना तो है ही ना, चाहे कुछ हो जाए चाहे उम्र लग जाओ, पर करना है जो करना है। अब भी प्रोग्रेस में चल रही है चीजें, हार मत मानो किसी चीज के लिए, अगर तुमने ठान लिया ना तो ठान लिया, उसके अपनी वजह से अपने इंटरेस्ट की वजह से उस लाइन को उस गेम को चेंज मत करो, ना तो वहाँ तुम कुछ कर पाओगे आगे उसमें भी, और ये तो छोड़ ही दोगे। तो भाई साहब कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं ये यूट्यूबर बनना है, कैमरा खरीद लेंगे, मतलब पैसों उस पे ध्यान रहता है कि यार ये भी इक्विपमेंट हो वो भी हो, पर कंसिस्टेंसी नहीं होती कि 2 दिन वीडियो बनाई 4 व्यूज आए तो छोड़ देते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे शुरू में हुआ कि आपके व्यूज नहीं आ रहे होंगे, पर आपने कंसिस्टेंट रखा हुआ वो दिमाग पर लोड मत लो, जो करना है करो। देखो आज कुछ कर रहे हो तो उससे बेस्ट कल करोगे, तो ये चीज ध्यान में रखो कि कल से अच्छा हो रहा है ना, खत्म वहीं के वहीं खत्म। डिमोटिवेट तो होगे नहीं कभी अगर ये सोचोगे नहीं कल से अच्छा है ना आज, बात खत्म, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल, जब मैं भी फोटो शूट चालू किए थे तो लोगों को यही नहीं पता था फिटनेस फोटोग्राफी क्या है, अभी तक लोग जान रहे हैं। तो उस समय पे मेरे को शूट आ जाए मेरे पास ये बड़ी बात थी, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, तो 3 महीने में 3 शूट हो रहे होते थे, ये हाल था 2013-14 में। तो अभी हम पिछले 3 दिन से सोए नहीं है, शूट कर रहे हैं, तो ऐसा भी मतलब वक्त बदलता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। देखो एक सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं तो भाई से बात तो कई बार हुई है लेकिन आज पहली बार मिला फेस टू फेस। भाई का वर्क सच में अच्छा है, मैं इसलिए नोटिस भी कर रहा था कैसे कैसे शूट करते हैं कैसे नहीं कैसे नहीं, हर तरह से एक ऐसे लेके करना होता है, मतलब पहले से प्लान होती है सारी चीजें, उसके बाद शूट करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी आया कैमरा उठाया 2 फोटो खींचे खत्म। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई हर किसी को, आपके ट्रेनर को भी, आपको भी, जो फोटोग्राफर है वो, एडिटर है, और जो जितने भी शूट में और लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, हर कोई मेहनत करता है तो एक जो आउटकम है वो तब आता है। कि सिर्फ ये नहीं है कि अकेला मैं निकला और मैं खिलाड़ी बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, सबका साथ जरूरी है।